तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है मनीष कुमार, आप लोग देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन टेस्ट के बारे में। तो वीडियो में हम बताएंगे कि जो टेस्ट है वो आपको कैसे कराना है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या उसका टेस्ट प्राइस है, क्या उसका टेस्ट कोड है और उसके जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग शेड्यूल है, वो क्या क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल पे आपको ब्लड टेस्ट से रिगार्डिंग सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लगभग हम हर टेस्ट के बारे में जो है वीडियो बना के डालते हैं, जिसमें पूरे टेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, टेस्ट प्राइस, रिपोर्टिंग शेड्यूल, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कब कराना चाहिए, तो वो सारी वीडियोस। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर आपको एडवाइज करता है प्रोटीन टोटल जो है 24 आवर्स यूरिन से, यानी कि 24 घंटे का यूरिन आपको इकट्ठा करना है और उसके बाद उसमें टेस्ट कराना है प्रोटीन का कि उसमें प्रोटीन लेवल जो है कितना आ रहा है। तो उसके बारे में ये वीडियो है। इसके लिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं, इसका जो टेस्ट कोड है U004, ये डॉक्टर लाल पैथलैब का टेस्ट कोड है। टेस्ट का जो नाम है प्रोटीन टोटल 24 आवर्स यूरिन, ये नाम आएगा। डॉक्टर जो है इनके नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसको ज़्यादा एडवाइज करते हैं। किस लिए कराया जाता है? किडनी डिसऑर्डर यानी कि किडनी की कोई प्रॉब्लम है तब कराया जाता है। सैंपल इसके लिए चाहिए क्या? तो इसके लिए जो हमें है यूरिन का सैंपल चाहिए। यूरिन जो है हमें 24 घंटे का इकट्ठा करना है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो किस तरह से इकट्ठा करना है, क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसको इकट्ठा करके यूरिन कलेक्ट करके और ले आए तो टेस्ट हो जाएगा, नहीं, वो आपकी रिपोर्ट जो है गलत है। तो इसको कितनी देर तक आप रख सकते हैं लेने के बाद? तो सैंपल के बारे में मैंने बता दिया, 20 ml जो है यूरिन का सैंपल चाहिए। जो 24 घंटे का इकट्ठा करेंगे उसमें से हमें 20 ml चाहिए, लेकिन आपको लैब पे जो है पूरा ही यूरिन का कैन लेके जाना जो आपने इकट्ठा किया है, क्योंकि उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए कि जो 24 घंटे हैं उसमें जो आपका यूरिन कितना पास आउट है उसकी वॉल्यूम भी मेजर होती है। फिर उसके बाद उसमें से 20 ml जो है टेस्ट के लिए चाहिए। ये पूरा इसका जो सैंपल कलेक्शन है। इसको कितनी देर तक रख सकते हैं? तो रूम टेम्परेचर पर आप 2 घंटे रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पर 72 hours रख सकते हैं, फ्रोजन नहीं कर सकते, इसको फ्रीज नहीं कर सकते। तो ये इसके मेथड के बारे में दिया है। प्राइस इसका है 250 यानी कि 250 रुपये। 250 रुपये इसका प्राइस है। रिपोर्टिंग टाइम डेली शेड्यूल है, डेली आप सैंपल देते हैं इवनिंग तक या नेक्स्ट डे आपकी जो है रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। यूजेज आप इसके पढ़ सकते हैं कि किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो उसके लिए, या जो प्रोटीन है वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या, डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट कराया जाता है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम होती है तब ये टेस्ट कराया जाता है, हाइपरटेंशन वगैरह, नेफ्रो के जो है ड्रग्स के हैं, डॉक्टर मैंने आपको बता दिया नेफ्रोलॉजी। डिजीज क्या है? डिसऑर्डर ऑफ किडनी यानी कि किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये टेस्ट कराया जाता है। कोई कोरियर चार्ज नहीं है, होम कलेक्शन अवेलेबल है, होम कलेक्शन में इसको करा सकते हैं, लेकिन आपको वॉल्यूम जो है वो करके रखनी पड़ेगी वहाँ पे, तब ये होम कलेक्शन में हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपको सैंपल कलेक्ट कैसे करना है। देखिए, सैंपल कलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको जो इसके लिए 5 liter का कैन लेना है। कैन आप लैब से लें तो अच्छा है, वो स्टरलाइज होता है पूरा प्रॉपर, क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं होता, स्टरलाइज होता है, लैब पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो इसके लिए देखिए 2 दिन लगते हैं। मान लीजिए कि आज संडे है, आपको मंडे से सैंपल स्टार्ट करना है, तो आप मंडे को सुबह उठेंगे, उठने के बाद जो फर्स्ट यूरिन है अपना उसको डिस्कार्ड कर लेंगे अपने वॉशरूम, टॉयलेट, जो भी जाते हैं आप, जिस भी टाइम जाते हैं, चाहे आप 7 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो फर्स्ट यूरिन है उसको डिस्कार्ड कर देना आपने, उसको कैन में नहीं लेना। सेकंड यूरिन जब भी आए, आप 7 बजे उठे हैं, सेकंड यूरिन आप 10 बजे जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप ले सकते हैं। सेकंड यूरिन से उसमें स्टार्ट करना है कंटेनर में, और पूरा दिन जितनी बार भी आप यूरिन जाते हैं तो उसी कंटेनर में आप कलेक्ट करते रहें। उसके बाद आप मंडे की रात आ गई, पूरे दिन का आप कलेक्ट करके रखे हैं,
रात आ गई, रात का जितनी बार यूरिन आप जाते हैं, चाहे एक बार जाएं चाहे ना जाएं, कोई इशू नहीं है, उस कंटेनर में ही जाना है आपको। अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को आप सुबह उठते हैं, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन भी उसी कंटेनर में जाएगा आपका। फर्स्ट मॉर्निंग जो ट्यूसडे का है, आपने मंडे से कलेक्ट किया पूरा दिन पूरी रात, और ट्यूसडे को फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन जो है उस कैन में ही कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद उसको लैब पे लेके जाना है टेस्टिंग के लिए, उसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई। ये पूरा प्रोसीजर है इसका कलेक्ट करने का। देखिए, कलेक्ट करना ही आना चाहिए आपको, पूरा कंफर्म होना चाहिए कि कैसे कलेक्ट करना है, उसी के बाद इसमें जो है आपका रिजल्ट जो है ठीक आएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है उसी के हिसाब से इसका जो टेस्टिंग होता है कि कितने वॉल्यूम है, उसके हिसाब से इसका जो प्रोटीन लेवल पता चलता है कि कितने वॉल्यूम में कितना प्रोटीन आ रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर था, ये पूरा टेस्ट था जिसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।